सिविल मामले में पुलिस की गैर कानूनी और इजलत पसंदी की यकतरफा कार्रवाई पर आला अहदेदार तवज्जो दें। पुलिस अपने इख्तियारात का कभी कभी गलत इस्तेमाल भी करती है, इसके सबब गैर समाजी अनासर को मज़ीद तकवीत हासिल होती है। ऐसी ही एक मिसाल बुराबंडा में अरशद यूनुस ग्लोब मेडिकल हॉल साइट नंबर 3 एनारपुरम कॉलोनी में देखने में आई। ये कॉलोनी एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ है। पुलिस एक मकान की गेट से मुतसिल ही फुटपाथ पर एक वेलफेयर एसोसिएशन के रूम को तामीर कर दिया है। क्या ये रूम खरीदी हुई जगह पर तामीर किया गया? क्या इसकी तामीर से कबल पड़ोसियों की रजामंदी हासिल की गई? पुलिस की जानिब से रूम की तामीर के जाने के बाद गेट के अंदर से आने जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। पुलिस इन रहायशियों को कहा कि अगर वो इस काम में मुदाखलत करेंगे तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। मकीनों का कहना है कि वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर गैर समाजी अनासर की बैठक की जगह बन गई है और ये लोग मकामी रुकन असम्बली के ख़ास लोग शुमार होते हैं। इस शिकायत पर रुकन असम्बली भी इकदाम करते हुए वहाँ से वेलफेयर एसोसिएशन के रूम को किसी और जगह मुंतकिल कर दे तो बेहतर होगा। और पुलिस के आला अहदेदार भी इस मसले पर तहकीकात करते हुए मसले को सुलझाने की कोशिश करे। कम से कम सीनियर सिटीजन की तो जरा हुआ करो आप लोग। कल बोली भी बात उसका उठा लो, बोल के कल गए भी तो फिर घर वाले काम में कहीं कुछ एहसास नहीं आप लोग हमिया नहीं है घर में चाहे तो भी बोलो ना घर से बोलो। आज अगुत्री मैं अभी इंजेक्शन को जाने के चले तीनों बिना परमिशन काम कर रहे। पहली बात भाई क्या बोला, परमिशन ला लो काम करो बोले तो सोसाइटी को चले जाओ। बरा क्या करना, सोसाइटी नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रही भाई। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, जिम्मेदार पूरे बैठे हुए ना कुर्सी में। बहस नहीं कर रहे हम तुम्हारे से, बहस हमको करना दिल बोल रहा। घर की फिक्र करे तुम थोड़ी, घर की फिक्र करे क्या करना। बदमाशी कड़के बदमाशी दिख के आ रही पूरी छोड़ के करे पूरे मेरे जैटों में दर्द है, मेरे स्लिप आए बता कि डॉक्टर के जाने नहीं हरा मुन्ने में आप उतरी कहीं कुछ तुम लोग इंसान का एहसास नहीं है क्या? तुम लोग ऐसा कैसा बनाते हैं? कल बोले बात नहीं बनाए आप लोग आराम का पड़ा दिख क्या रहा जी देखे तो बोले